Okay, so hello everyone. Today we start with data analysis. Data analysis जो topic है कहीं ना कहीं DI से related भी आप कह सकते हैं या फिर हम इसका एक particular type ही आज इसको discuss करना चाहेंगे. NBA का जो आपको study material दिया गया है DI वाले chapter से just पहले I think page number 178 पे quant की book में इस पे काफ़ी सारे questions हैं, more than 100 questions हैं data analysis के, ठीक है, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, देखा जाए तो डेटा एनालिसिस के ये वाले क्वेश्चंस जो हम अभी करेंगे, ऐसे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ये इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट स्टिल अभी जब मैं इसको थोड़ा स्टडी कर रहा था, देख रहा था वेबसाइट्स पे, तो इसके कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ SSC के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं. ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और जो डिफरेंट एग्जाम्स में इस पे टॉपिक्स, इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको डिस्कस करें. ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके स्टडी मटेरियल जो NBA की जो क्वांट की बुक है उसके क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बहुत बाहर से भी होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके अपनी क्वांट की बुक से होंगे. तो आइए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. डेटा एनालिसिस में हम जो एक पर्टिकुलर टाइप आज कवर करने की कोशिश करेंगे वो टाइप होगा आपका वेन डायग्राम. ठीक है, वेन डायग्राम या कह लीजिए सेट थ्योरी, आपने अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग इसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ रखी है. ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक जो ये सर्कल से हम लोग बनाते हैं उन्हीं को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, राइट. वेन एक मैथमेटिशियन थे, खैर इतना डिटेल में हम लोग क्यों जा रहे हैं, राइट. लेट्स सी, जैसे सपोज करो एक सिंपल सी बात है, अभी हम लोग सारे क्रिकेट प्लेयर्स की बात करते हैं, राइट. IPL चल रहा है, हम सारे क्रिकेट प्लेयर्स की बात करते हैं. ये रहे इस रेक्टेंगल के अंदर, इस वृत्त के अंदर जितने भी हमारे पास प्लेयर्स हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट है. इसमें सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, दुनिया के सारे क्रिकेट प्लेयर्स इस सेट के अंदर हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास रॉयल चैलेंजर बैंगलोर्स और इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, इसमें अगर हम कुछ कॉमन प्लेयर्स की बात करें जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में भी हैं और इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में भी हैं, तो आप सभी लोग इसका आंसर सबसे पहले क्या देंगे, विराट कोहली और पता नहीं और बहुत सारे जो इंडियन खिलाड़ी जो हमारे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पार्ट हैं वो सब आप यहाँ पे बता देंगे. एक वो बॉलर है पतला सा, क्या नाम है उसका, मैं नाम बस याद नहीं है, चलो जो भी है, राइट. वो सब यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉमन एरिया में आएगा. ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको इंटरसेक्शन कहते हैं और साधारण भाषा में, तर्क शक्ति में, लॉजिकल लैंग्वेज में इसको एंड बोलते हैं, राइट. अगर बोलते हैं हु आर द प्लेयर्स हु आर पार्ट ऑफ RCB एंड इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, एंड यानी जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, जो इन दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग इंटरसेक्शन भी बोलेंगे. तो एंड का मतलब हो गया दोनों. ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे. ठीक है, अगर बोलते हैं नेम द प्लेयर्स हु आर ओनली पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, सिर्फ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में है, तो अब कौन सा पार्ट चाहिए हमें, हमें ये वाला पार्ट चाहिए. इसको हम अलग कलर से पेंट कर दें, ये रेड वाला पार्ट चाहिए. ठीक है, जब ये ओनली बोलेंगे तो हमें कौन सा खिलाड़ी चाहिए, वो खिलाड़ी चाहिए जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में तो नहीं है लेकिन इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के पार्ट हैं. है, ऐसे कोई खिलाड़ी आप बता सकते हो क्या, हाँ रोहित शर्मा बोल सकते हैं ना, वी कैन से अच्छा रोहित शर्मा इज देयर. हालांकि अभी मुंबई इंडियंस की बात नहीं हुई है, बट स्टिल इन दो गिवन डेटा के हिसाब से हमें बात समझ में आती है. अगर वो कहते हैं RCB और INCT और का मतलब क्या हो जाता है, यूनियन, यानी कि ये तीनों चीज़ों को आप ऐड कर देंगे, इन सब को आप ऐड कर देंगे, राइट. ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, सारे खिलाड़ी चाहिए, सबको आप ऐड कर देंगे, जो आपके पास और में आएगा वो सब आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसा क्षेत्र हो जाएगा. ठीक है, कई बार तीन चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें तीन तीन चीज़ों, चार चार चीज़ों के लिए पूछा गया है. जनरली ऐसे ज़्यादातर एग्जाम में तीन से अधिक वाले क्वेश्चन टाइप नहीं पूछते हैं. आपके बुक में जो क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के दे रखे हैं, वो भी दे रखे हैं कि क्या पॉसिबल है कि अगर पेपर का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए तो वो भी उसमें कवर कर रखा है, उसमें सात सात आठ वाला भी दे रखा है. ठीक है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहेगा कि तीन तक अगर आप करने में कंफर्टेबल हैं तो इट इज़ फाइन. ठीक है,
फिलहाल हम क्वेश्चंस देखेंगे, इस पर हम दो क्लासेस करेंगे, एक क्लास आज कर रहे हैं, एक क्लास और इस पर हो सकता है कल या परसों में एक दिन कर लें, राइट। मैं सर से एक दिन और टाइम लूँगा ताकि मैं इस टॉपिक को अपने तरफ से फिनिश कर सकूँ। और जैसे सपोज़ करो, थोड़ा और बेसिक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट। जैसे सपोज़ करो आपके पास एक कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में टोटल 100 परिवार रहते हैं, राइट। त्रिवेणी कॉलोनी है, त्रिवेणी कॉलोनी, इसमें टोटल कितनी फैमिलीज रहती हैं? 100 फैमिलीज रहती हैं। ये इस कॉलोनी में रहने वाले जो परिवार हैं, जो लोग हैं, ये तीन तरह के अखबार पढ़ते हैं। कुछ लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, कुछ लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, और कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। हमें इतनी जानकारी मालूम है कि ऐसे इस परिवार में, इस सोसाइटी में, इस कॉलोनी में टोटल हमारे पास ऐसे 70 परिवार हैं जो कि अमर उजाला पढ़ते हैं, ठीक है। दैनिक जागरण पढ़ने वाले जो हैं वो टोटल हमारे पास 55 परिवार हैं जो दैनिक जागरण पढ़ते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले जो लोग हैं वो मान लीजिए हमारे पास 35 हैं। तो क्या इससे, क्या ये संख्या गलत हो जाएगी क्या? क्या इसका जो योग है वो 100 से अधिक आ गया, तो क्या ये जानकारी गलत है? नहीं, ये जानकारी गलत नहीं है। हमें इसमें कुछ और चीज़ों को थोड़ा सा और इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा और इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। जैसे अभी ऐसे कुछ लोग होंगे जो हो सकता है तीनों अखबार पढ़ते हों, ऐसे 10 परिवार मान लीजिए यहाँ पे दे रखे हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं। 10 परिवार ऐसे हैं जो कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया तीनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने आगे ऐसा दिया, राइट, मान लीजिए थोड़ा अंग्रेजी में बात करते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि 18 फैमिलीज रीड बोथ अमर उजाला एंड दैनिक जागरण, ठीक है। 18 ऐसे परिवार हैं जो अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों पढ़ते हैं। तो क्या 18 ये वाली संख्या 18 होगी क्या? नहीं, ध्यान रखना 18 जब बोल रहे हैं बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन ये और ये दोनों, ए यू और डी जे का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, तो 18 मतलब दिस प्लस दिस 18 होगा, यानी कि इस संख्या को क्या लोगे, इसको तुम 8 लोगे। 8 के बारे में आप क्या कहोगे? दैट 8 फैमिलीज आर देयर हु रीड ओनली अमर उजाला एंड दैनिक जागरण बट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अमर उजाला एंड दैनिक जागरण, ये भाषा समझनी है तुम्हें, ये तर्क शक्ति है, राइट। ये यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अमर उजाला एंड दैनिक जागरण बट नॉट TOI, ये संख्या कितनी है हमारे पास? ये संख्या 8 है, समझ रहे हो ना। जब बोथ बोल रहे हैं तो ये दोनों का सम है, दोनों का योग है 18, बट AU एंड DJ बट नॉट TOI, तो ये सिर्फ ऊपर वाले संख्या की बात कर रहे हैं, ओके। मान लीजिए अब कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला, राइट, TOI एंड अमर उजाला, ये पढ़ने वाले टोटल 20 परिवार हैं। अगर ये पढ़ने वाले टोटल 20 परिवार हैं बच्चों, तो 10 तो यहाँ दिख रहे हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, बाकी 10 और ऐसे होंगे जो अमर उजाला और TOI तो पढ़ रहे होंगे बट दैनिक जागरण नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से एक हाइपोथेटिकल डेटा हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं कि दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने, मान लीजिए 25 हैं, तो यहाँ हमने ले ली ये संख्या कितनी, 35, 15, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये जो हमारे पास संख्या निकल के आई, क्या इसके आधार पे हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं? अब हम सारी बातें कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ तुम्हारे पास 10 + 10 = 20, 20 + 15 = 35, यानी सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले एक भी नहीं है, एक भी ऐसे लोग नहीं है जो सिर्फ अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं? यहाँ हमारे पास 28 है, 70 में से अगर मैं 28 को घटाऊंगा भैया, तो यहाँ गया 2 और 5 में से गया तो 3, 32 है, कितना आ रहा है, 32 नहीं 42 हो जाएगा ना, 42 हो जाएगा, ठीक है, 6 में से जाएगा 42, यानी 42 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अमर उजाला पढ़ते हैं, ठीक है। ये कोई और अखबार पढ़ते ही नहीं, दे रीड ओनली अमर उजाला, ठीक है। इसके बारे में इसी प्रकार से क्या कह सकते हो, ये हो गया 18, 18 और 5 = 23, 23 और 10 = 33, 33 अगर इसमें से घटा देंगे तो बचेंगे 22। दैनिक जागरण, जो लोग सिर्फ दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं वो कितने लोग हैं भैया? वो हमारे पास टोटल ऐसे 22 लोग हैं। क्या सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोई भी अखबार ना पढ़ रहे हो? क्या सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोई भी अखबार ना पढ़ रहे हो? आओ जरा देखते हैं, लेट अस चेक, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम लोगों ने क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल डेटा लिया था, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तभी ये सही होगा। जैसे ये जो 100 परिवार है ना,
इसको ऐसा कर लो 120 परिवार कर लो, तो ये डेटा अब सही हो जाएगा। ऐसा क्यों, ये बात भी अभी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए टोटल 100 परिवार था, अगर 100 परिवार था तो कुल संख्या कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये बड़े वाला गोला कितना है 70 का, 70 और 22 हो गया 92, ठीक है, 92 और 10 हो गए 102, 102 और 5 107 हो गए। 107 परिवार तो यहीं पे मिल गए जो इन गोलों के अंदर हैं, यानी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, और टोटल 100 था तो गलत हो गया ना, हमने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी उसमें गलत दे ली, हाइपोथेटिकल डेटा था इसलिए ऐसा हो गया। तो अगर अब अगर ये हम इसको 120 बढ़ा के कर देते हैं तो समझने की बात है कि 107 राइट, 107 अगर हम 107 अगर हम यहाँ से घटा लें तो बच गए ऐसे 13 परिवार। वो 13 परिवार कौन से हैं, जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, उनका अखबार पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बातें जो हम सवाल करने से पहले सीखना चाहते हैं, वो हम ये सीखना चाहते हैं कि एंड है तो उसको आप कैसे समझेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस एंड दिस बट नॉट दिस तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। और अगर बोल दें, अगर मैं इसमें बोल दूं, बताओ हाउ मेनी पीपल आर देयर हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण, राइट, और दैनिक जागरण, तो इसमें मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण को कम्प्लीटली ऐड करूंगा। जैसे मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 55, सीधा मैं बड़े वाला सर्कल को हमेशा लेता हूँ, ये हो गया 55, 55 और 10 65, इसका आंसर क्या दूंगा मैं 65। समझ में आ रही है बात सभी को, अगर हाँ तो जल्दी से ज़रा यस लिख के दिखाओ चैट बॉक्स। सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में रीजनिंग के पार्ट में था, आई एम श्योर बहुत ही आसान सवाल है और आप सब लोग करना जानते हैं। Identify the diagram that best represents the relationship among the given classes. Animal, leopard, lion. Animal यानी कि पूरा जो हमारे पास जानवर पूरा का समूह है उसकी बात हो रही है, leopard की बात हो रही है और lion की बात हो रही है। Lion तो शेर होता है, इसको क्या तेंदुआ बोलते हैं क्या, leopard को शायद तेंदुआ ही बोलते होंगे। तो क्या तेंदुआ और lion में कुछ common होता है, नहीं बिल्कुल भी कॉमन नहीं होता। तो मैं इसमें क्या मार्क करूंगा, ए बी सी डी, मैं इसमें सी मार्क करना चाहूंगा, है ना, एनिमल, क्योंकि एनिमल तो ये सभी हैं, राइट। एनिमल में कुछ जो हैं वो लियोपर्ड है और कुछ जो हैं वो लायन है। तो इस तरह का जो बेसिक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये आप लोग देखते होंगे। हाँ बी नहीं देवेंद्र, इसको सी बोलना चाहिए था, है ना, हो सकता है आप बी ही बोलना चाह रहे होंगे बट इस साइड में सी है इसलिए आपने इसको, यस सर वो ऑप्शन आगे हो गया था वो, राइट राइट, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इस तरह का आपको सीजीएल वगैरह में एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ऐसे तुम्हें रीजनिंग वाले पार्ट में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बेसिक फाउंडेशन वेन डायग्राम से निकल के आता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास एग्जाम में आ रखा है, राइट। द डायग्राम शोज द सर्वे, राइट, द डायग्राम शोज द सर्वे ऑफ ऑन सैंपल ऑफ 500 persons विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। 500 लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। 90 रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस, 90 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो 90 सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ इसको रिप्रेजेंट करता है, ये 90 के बारे में तुम क्या बोलोगे, मेल एंड फीमेल बोलोगे, फीमेल एंड चिल्ड्रेन बोलोगे, चिल्ड्रेन एंड मेल्स बोलोगे, क्या इसमें चिल्ड्रेन एंड मेल बोल देना चाहिए, क्या हमें इसमें चिल्ड्रेन एंड मेल बोल देना चाहिए इस 90 को, है ना। बल्कि इसमें और ज्यादा एक्यूरेट अगर कभी आपके एग्जाम में आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट, दैट मेल एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, बट नॉट फीमेल, ठीक है, ये एग्जैक्ट इसका टाइप है जो तुम्हें मिलेगा। समझ रहे हो ना, अभी फिलहाल ऑप्शंस के हिसाब से मैं सर्टेनली सी ऑप्शन मार्क करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए आइए अब हम अपने बुक के क्वेश्चंस देखना शुरू कर रहे हैं। जो आपके पास क्वांट की बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से लेना शुरू कर रहा हूँ। डेटा एनालिसिस जो चैप्टर दे रखा है ये उसका पहला कुछ सवाल हमने यहाँ से पिक किया है, देखिए क्या हम लोग कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करके बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए। जैसे पहला सवाल है, इन अ ग्रुप 70% पीपल टेक टी, 70% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफी पीते हैं, 20% लोग दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है, 12 लोग दोनों पीते हैं। देखो कहीं डेटा जो है वो प्रतिशत में है और कहीं डेटा संख्या नंबर में दे रखा है, तो आपको बताना है कि लोग कुल कितने, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द ग्रुप। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इसमें प्रतिशत
वेन डायग्राम दोनों का अच्छा प्रयोग हो रहा है। देखो जरा मैं करके बताता हूँ, राइट। आई एम श्योर तुम में से कई लोग इसे कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है, बट फिर भी क्योंकि पहला सवाल है तो मैं करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। दो तरह की चीजों की बात की गई है, तो सबसे पहले तो मैं दो गोले बनाऊंगा, एक चाय के लिए एक कॉफी के लिए, जिसका जहां जो प्रतिशत दे रखा है उसको वहां लिखते हैं। जैसे टी के बारे में इन्होंने बोला कि 70% है, ठीक है। कॉफी के बारे में इन्होंने बोला कि 60% लोग कॉफी लेते हैं और 20% लोग कुछ भी नहीं लेते। मतलब 20% लोग कहाँ हैं, बाहर हैं, इन गोलों के बाहर हैं। अब समझने की बात यह है कि टोटल किसी भी चीज का हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर टोटल हमारे पास 100% है, मान लो ये जो चीज है ये है एक्स परसेंट, ये क्या है एक्स परसेंट, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास टोटल संख्या है ये कितनी आ गई, ये आ गई 70, ठीक है। और इसको गोले के बाहर लिखते हैं, राइट, गोले के बाहर लिखते हैं ताकि ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक का भी स्कोप हम नहीं रखना चाहते। तो ये जो पहला वाला गोला है चाय वाला, इसका ये हमारे पास योग कितना है 70%। अब ये जो सिर्फ कॉफी वाला है ये, इसको क्या मैं 60 - x लिख सकता हूँ क्या, है ना। तो 70% और 60 - x%, ये जो दोनों का योग है क्या ये 80 के बराबर होगा, बताओ, होना चाहिए ना, क्योंकि 100 में से 20 बाहर दे रखा है, तो बचा हुआ 80 कहाँ होगा, इन गोलों के अंदर होगा। क्या यहाँ से मुझे x का मान निकल जाएगा, आओ जरा देखते हैं। ये हमारे पास आ गया 130, और 80 को अगर मैं इस तरफ ले आऊं और x को दाएं तरफ ले जाऊं तो x पॉजिटिव हो जाएगा। x के बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ, बताओ, x के बारे में क्या ये बात कहना सही रहेगी कि x हमारा 50% है, x हमारा कितना है 50% है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 50%, ये हमारे पास आ गया 20%, ये हमारे पास, हालांकि इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभी पहला सवाल है समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं कि हाँ भाई ये 20%, 50%, 10%, ये टोटल कितना हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 70, 80, 80 और 20, 100, टोटल 100% हो गया। एज पर दी क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि 12 लोग दोनों चीजें पीते हैं, तो दोनों चीजें पीने वाले प्रतिशत में कितने हैं, 50%। ले सवाल तो खत्म ही हो गया। अगर 12% हमारे पास, अगर 50% हमारे पास 12 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 24, ठीक है, क्योंकि हमें तो 100% ही चाहिए था। इन्होंने बोला था बताओ लोग कितने हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में कितने लोग हो जाएंगे, 100% लोग होंगे, 100% के बराबर कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है कि आप इस पहले एग्जाम्पल से आपका बेसिक फाउंडेशन यहाँ से हुआ होगा। आओ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवालों का स्तर थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो तैयार रहना। देखिए फिर से हमारे पास ये सवाल है, सवाल नंबर 2 से 5, सारी सवाल आपकी किताब से है, ठीक है, सब का सब ये NBA की आपकी किताब से है, वहीं से मैंने पिक किया है। देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 2 सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दो ही परीक्षा, दो ही सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है। 70% स्टूडेंट पास ओनली इन 1 सब्जेक्ट, 70% लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला सवाल भी मैं बता रहा हूँ, इसके अगला सवाल मैं आपको करने का अवसर दूंगा, ठीक है, ये वाला मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। देखो कई बार ना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि पास हो रहे हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, कितने परसेंट लोग, 70% लोग पास हो रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स आर 2 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कर दिया इन्होंने कॉम्प्लिकेट, ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। टोटल लोग कितने होंगे भैया, टोटल तो हमेशा 100% ही होते हैं, ये रहे हमारे फिजिक्स में पास होने वाले और ये रहे हमारे केमिस्ट्री में पास होने वाले, ठीक है। जो दोनों में पास होंगे वो इनको यहाँ बीच में लिखेंगे, जो दोनों में फेल होंगे उनको हम यहाँ सर्कल के बाहर लिखेंगे, दोनों सर्कल के बाहर लिखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अब आप समझने लगे हैं, ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो इन्होंने बोला देर आर 2 सब्जेक्ट, 70% स्टूडेंट पास इन ओनली 1 सब्जेक्ट, यानी अगर ये संख्या मेरे पास एक्स है और ये संख्या वाई है, तो सवाल की इस जानकारी के हिसाब से मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि एक्स प्लस वाई का योग हमारे पास 70% होगा, ठीक है भाई। अभी कॉमन एरिया में क्या है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट आर 2 times, यानी मान लो ये जो संख्या है इसको क्या बोल लो, इसको मान लो तुमने कहा जेड, ठीक है, आर 2 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी ये जो हमारे पास संख्या है इसको क्या फेल करने वाले को क्या ए बोल दें, चलो ए बोल लेते हैं,
तो जेड के बारे में इन्होंने कहा कि जेड जो है वो ए का दोगुना है। अब देखो समझने की बात ये है बेटा कि अगर टोटल हमारे पास सेम है और चाहे वो नंबर बोल रहे हैं या परसेंटेज बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे चीजों को परसेंटेज में लिया है, बात को ध्यान से रखना। और यहाँ इन्होंने नंबर की बात की है तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स यानी जेड राइट आर टू टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, जो दोनों में फेल हुए हैं। तो अगर संख्या दोगुनी है तो उसका प्रतिशत भी दोगुना होगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है? ओके, द परसेंटेज पीपल हु पास ओनली इन केमिस्ट्री, ओनली इन केमिस्ट्री में पास होने वाले कितने लोग हैं? वाई लोग हैं, ठीक है, आर 10% मोर देन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु पास ओनली इन फिजिक्स। बहुत बढ़िया, यानी ये कह रहे हैं कि वाई जो है ये एक्स प्लस 10 है। देखो इन दो इक्वेशन से, पहले से और तीसरे से, तुम्हें एक्स और वाई का मान साफ साफ मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस बात को समझ रहे हो, ठीक है? अभी करेंगे, संख्या भी नंबर्स भी करेंगे, एग्जैक्ट सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें समझ में आना चाहिए। देखो एक सवाल है राइट, उसमें चार चार आगे सवाल दे रखे हैं, तो हम क्यों ना इसमें समय लगाएं राइट। अगर हमें समय लग भी रहा है और आगे आप देखेंगे इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और अच्छा होगा राइट, मेंस लेवल के एग्जाम में बढ़िया ही सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, इफ 120 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी 100% का मान इन्होंने कितना दे दिया बेटा? 120 दे दिया, ठीक है? 100% किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो इन्होंने बोला बताओ क्या 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 हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है ना। मैं सबसे पहले क्या करूं, मैं सबसे पहले पहले और तीसरे को जोड़ देता हूं। अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ूंगा राइट, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा 2y = 80, ठीक है? y बराबर मुझे मिल गया 40, और y बराबर अगर मिल गया 40 तो x बराबर मिल गया 30। प्रतिशत के फॉर्म में चीजों को हमने यहाँ पे देखना शुरू किया है, ठीक है भाई? तो ये हमारे पास आ गया y आ गया 40, ठीक है? अच्छा y हमारे पास आ गया 40%, और ये आ गया हमारे पास 30%। अच्छा एक बात और भी है हमें समझने की जरूरत है कि ये अगर हमारे पास 40 और 30 आ गया तो ए और जेड का योग क्या हमारे पास 30 नहीं होगा? बिकॉज 70 हमें मिल चुका है और टोटल 100% ही होता है, ठीक है? तो यहाँ से मैं ए और जेड का मान भी निकालना चाहूंगा। सब कुछ प्रतिशत में रख रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? तो ए प्लस जेड हमारे पास 30% होगा, और जेड की जगह पे मैं अगर 2a रख दूं तो हमारे पास देखो 3a का मान कितना आ जाएगा? 30%, यानी a कितना आ गया? 10%। तुम्हें सारी चीजें साफ साफ पता लग गई, कितने प्रतिशत लोग कितने जगह पे पास हैं, कितने जगह पे फेल हैं, सब कुछ क्लियर है। और क्योंकि आपको संख्या भी दे रखी है तो अब आप किसी भी चीज की संख्या निकाल सकते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु पास इन फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल पास होने वाले हमारे पास 50% लोग हैं। आंसर क्या बोलूंगा मैं? आंसर बोलूंगा 60, ठीक है? सिर्फ ओनली फिजिक्स नहीं बोला इन्होंने, फिजिक्स बोला। अगर ओनली फिजिक्स बोलते तो मैं 30% लेता, यानी आंसर उस केस में मैं बोलता 36, ठीक है? लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला है फिजिक्स, फिजिक्स मतलब टोटल फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, तो 50% लोग पास हुए हैं। 50% का अर्थ कितना हो गया भाई? 120 का 50 कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है? नंबर ऑफ पीपल हु फेल इन द एग्जामिनेशन, कितने लोग हैं जो एग्जाम में फेल हो गए? तो 10% लोग एग्जाम में फेल हुए हैं। 10% अगर 120 का हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग, ठीक है? The number of people who pass in both the subjects, तो 20% लोग इधर पास हो रहे हैं, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तुम लोग पूछोगे, मैं बताऊंगा, ठीक है? एक और सवाल पहले करा देता हूँ इस सेट का। The ratio between total fail student to the student who pass only in chemistry, बहुत बढ़िया। टोटल फेल स्टूडेंट, अब ये टोटल फेल स्टूडेंट का क्या मतलब, इसमें आप क्या लेंगे? मैं तो इसमें जो दोनों में फेल हुए उसी को लूंगा, यानी कि 12 को लूंगा, ठीक है? 12 को लूंगा। टू द स्टूडेंट्स हु पास ओनली इन केमिस्ट्री, जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुए हैं, वो कितने हैं भाई? 40%। 40% कितना होता है? 48 होता है क्या? है कितना हो जाता है हमारे पास? 48 हो जाएगा। 120 का 40% 48 हो जाएगा, तो ये 1/4 आंसर होना चाहिए, ठीक है? 1/4। अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने बाई मिस्टेक उसको क्रॉप कर दिया है, राइट? तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 1:4 होना चाहिए, ठीक है बच्चों? यहाँ पे अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वीडियो में पॉज पे लगा रहा हूँ।